दुमका जिले मसलिया प्रखंड के गाड़ा पाथर गांव के लोग अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। कारण ये है कि सदाबहार चापाकल के पास एक साल पहले ही जिला परिषद निधि की ओर से शिलापट के अनावरण के बाद भी जल मीनार नहीं बना, लेकिन गाड़ा पाथर के ग्रामीणों को प्राकृतिक मदद से एक ऐसा चापाकल नसीब हुआ है जो अनावरण पानी चापाकल के बिना हैंडल चलाए मिलता है। ये 2400 घंटे साथ ही 12 महीने तक बहता ही रहता है। आपको बता दें, हनुमान मंदिर के सामने का इस चापाकल का पानी पीने के लिए भी स्वच्छ और मीठा है। हालांकि ग्रामीणों की वर्षों से मांग थी कि इस जगह बड़ी टंकी का निर्माण हो जिससे घर घर तक जल पहुंचाया जा सके, लेकिन ग्रामीणों की मांग अब भी अधूरी है। दुमका विधानसभा उपचुनाव के वक्त गांव में जिला परिषद निधि के तहत जिला परिषद के अध्यक्ष जोएस बेसरा, उपाध्यक्ष असीम मंडल और क्षेत्र के जीप सदस्य सुरेश बस्की योजना शिलापट का अनावरण करने पहुँचे थे। योजना थी कि अब पानी बेकार नहीं बहेगा और पूरे गांव के लोगों को घर घर तक नल के माध्यम से जल मिलेगा, लेकिन ग्रामीणों को दिया गया ये आश्वासन धरातल पर अब भी नहीं उतरा है। इस बारे में जब जीप सदस्य सुरेश बस्की से सवाल पूछा गया तो महाशय ने ये कहकर कन्नी काट ली कि उस समय बड़ी टंकी बनाने का पर्याप्त मत था, पर अब मत का अभाव हो जाने के कारण दूसरे जगह मिनी टंकी बनाया जा रहा है। जब मत आएगा तो बड़ा टंकी बना दिया जाएगा, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब मत ही नहीं था तो जनता को इस तरह झूठे आश्वासन और झूठे दिलासे देने का क्या मतलब। खैर, अब दूसरे जगह पर पानी के टंकी का निर्माण किया जा रहा है। अब देखने वाली बात है कि इससे गांव वालों को कितनी सहजता मिल पाती है। लोगों का कहना है सर कि जो हम लोगों को आश्वासन दिया गया था कि पानी, शुद्ध पानी मिलेगा आप लोगों को पीने का, घर तक पानी पहुँचाया जाएगा, लेकिन जो हम लोगों का रीति रिवाज पुराना बाप दादा परदादा से जो आ रहा है, हम लोगों को महसूस हो रहा है कि वही कहानी हम लोगों का चलेगा। इधर गांव में इस तरह का सुविधा मतलब खाली आदमी को भरोसा दे करके ठगा जा रहा है सर, तो इससे हम लोग सर काफ़ी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं सर, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो यहां शिलान्यास हुआ था तो हम लोग सोचे थे कि सब आदमी को शुद्ध पानी मिलेगा, वही हम लोग अभी नदी कुआं का पानी पी रहे हैं और उम्मीद था कि यदि शुद्ध पानी मिलेगा तो सबका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, लेकिन पानी तो वही मिल रहा है, कुएं का पानी, चापाकल का वैसे पानी। तो जल मीनार से सर कुछ बहुत लाभ होता सर पूरे ग्रामीण को, लेकिन अभी तो वो हुआ नहीं सर, नहीं होगा, ये तो दूसरे जगह चला गया सुन रहे हैं सर। यही हम लोगों को कहना है, लेकिन हम लोग काफ़ी दुखी है सर। दिक्कत हम लोग का यही है कि जल मीनार बनता तो सब कोई बोरिंग का पानी पीता, अभी हमारे गांव में जैसे दादा परदादा कुआं का पानी पीते आ रहा है, वही पानी पी के हम लोग गुजर बसर कर रहे हैं अभी तक, और ये हो जाना से हम लोग का काफ़ी सुविधा होता, स्वास्थ्य में भी ये रहता, निजात पाते हम लोग। दिक्कत अभी दूसरे जगह बोरिंग करवा दिए, यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ होने से पूरे गांव में सप्लाई जाता पानी, पानी यहाँ पर व्यर्थ ही बह रहा है, कोई काम नहीं आ रहा है यहाँ पर, नहीं बनाने थे तो उद्घाटन। और उसके बाद अगर यहाँ पर अगर जल मीनार बनाना नहीं था तो फिर शिलान्यास करना नहीं चाहिए था ना, जहाँ पर सब लोगों का सुविधा सबका सहमति होता है वहाँ पर करवाते। देखिए वहाँ वास्तव में मतलब आपका शिलान्यास तो जहाँ पर हुआ था तो उस जगह पर ना हो करके दूसरे जगह मतलब इसलिए किया जा रहा है, ग्रामीणों के कहने पर ही मतलब आपका दूसरे जगह हस्तांतरण किया जा रहा है। और हमने मतलब इंजीनियर से बात किए थे कि जहाँ पर शिलान्यास हुआ है वहाँ पर होना चाहिए, तो वहाँ पर आपका कितना घर का सप्लाई हो सकता है, बोला कि इस योजना से अभी जो मान लें पहले आपका जो जिस उपदेश से शिलान्यास किया गया था उस समय मतलब का फंड का मतलब उपलब्ध था, लेकिन बाद में फंड के अभाव में उस बड़ा जल मीनार ना होकर के छोटा जल मीनार मतलब हो रहा है, जिसके चलते वहाँ ऑलरेडी 2-3 ठो चापाकल अपने आप मतलब आपका पानी निकल रहा है, जो कि इस जल मीनार को वहाँ पर यदि निर्माण किया जाए तो मतलब कोई फायदा वहाँ पर होगा नहीं। इसलिए ग्रामीणों को बता दिया गया कि यदि आप लोग दूसरे जगह जहाँ पर चापाकल नहीं है वहाँ पर यदि करना चाह रहे हैं तो आप लोग ग्राम सभा के माध्यम से आप लोग ग्राम सभा में पारित कर दीजिए कि हम लोग गांव का आदमी
सहमति से ही दूसरे जगह जहाँ जो चापाकल नहीं है वहाँ पर हम लोग करेंगे। तो ग्राम सभा करके दिया गया और जहाँ जो मतलब ग्रामीणों ने जहाँ प्लेस या स्थान चयन किया वहाँ पर किया गया है। झारखंड न्यूज 9 के लिए दुमका से केसरीनाथ यादव की रिपोर्ट। कर्जा में डूबल है किसान, जानत रहे हर इंसान, बंद रहे हर जवान, चुप रहे हर इंसान। कृषि मंत्री राह दिखा ले, 50,000 कर जा।